वेलकम बैक ऑन माय चैनल, दिस इज प्रज्ञा। एंड आज की वीडियो में मैं आपके साथ कुछ हैक्स शेयर करने वाली हूँ जो कि करवा चौथ के लिए हैं। अगर आप न्यू ब्राइडल हो और आप दुल्हन जैसे तैयार होना चाहते हो और आप चाहते हो कि हैवी लुक भी ना आए, तो आप इसको वेडिंग्स में भी ट्राई कर सकते हो। अदरवाइज करवा चौथ पे तो हर कोई दुल्हन जैसे तैयार होता है। सो मैं आपके लिए कुछ ऐसे आइडियाज एंड ट्रिक्स लेके आई हूँ जिस बहुत ही लाइट वेट एंड वो चीज़ें जो आपके पास हैं वो पहन करके आप बहुत ही ब्यूटीफुल लुक क्रिएट कर सकते हो। सो वीडियो को शुरू से एंड तक देखना और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो एंड बेल आइकन को हिट करना नहीं भूलना, क्योंकि इससे आपको मेरी सारी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिल पाएगी। एंड जो भी प्रोडक्ट मैं इसमें यूज़ करूँगी उसका जो है लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दे दूँगी। सो लेट्स स्टार्ट। यहाँ पे मैंने लिया है पुरानी छन्नी जो कि मैं हर साल यूज़ करती हूँ, बट मैं चाहती हूँ इस बार थोड़ा नया हो। तो मैंने अपने पास जो लेस बची हुई थी ना वो लेस लिया और उसको भी ग्लू गन से इसके ऊपर इस तरीके से चिपका करके जहाँ उसका जॉइंट था वहाँ पे मैंने फ्लावर को जॉइंट कर दिया। और फ्लावर को जॉइंट करने के बाद आप देख सकते हो कि हमारी छन्नी कितनी प्यारी लग रही है। चांद निकलने वाला है। आपने थाली डेकोरेट नहीं की, डोंट वरी, आप लोग एक स्टील की सिंपल सी थाली, उसको हल्का सा गीला करो, उसके ऊपर ऐसा गोल्डन डस्ट पाउडर डालो, उसको फैला लो। फैलाने के बाद उसके फिंगर्स से उस पर डिज़ाइन बना लो। ऐसा ही काम आप रोली के साथ भी कर सकते हो और फिंगर्स से जैसी भी चाहो वैसी डिज़ाइन बना सकते हो। इस थाली का ये बेनिफिट है ना कि ये झट से धुल भी जाती है। हाली छन्नी तो सज गई, अब हम भी थोड़ा सज लें। तो सबसे पहले आप कर लो मेकअप। और यहाँ मैंने पहनी है अपने एक साड़ी का ब्लाउज और एक केप टॉप का स्कर्ट। अब हम लेंगे एक हल्का सा दुपट्टा। दुपट्टे को हम पहले कमर में पिन से सिक्योर करेंगे, फिर हम शोल्डर के ऊपर इसको पिन से सिक्योर करेंगे। सेफ्टी पिन से सिक्योर करने के बाद जो उसका कॉर्नर वाला पार्ट है जो नीचे के साइड है उसको वापस से जहाँ पर हमने कमर में दुपट्टा लगाया था वहाँ ला करके टक कर लेंगे। पूरा दिन फास्ट रहने के बाद किसका मन करेगा हेयर स्टाइल बनाने का, तो शॉर्टकट लो। शॉर्टकट के लिए आपको करना ये है कि आपको लेना है ये वाला हेयर बैंड। ये वाला हेयर बैंड बहुत इजीली मार्केट में मिल जाता है और आपको हेयर्स को एक साइड करना है, फिर हेयर बैंड लगा लेना है। हेयर बैंड लगाने के बाद इसको पीछे की तरफ प्रेस करो, फिर आगे की तरफ प्रेस करो। आगे की तरफ जब आप प्रेस करोगे ना तो हेयर्स में कुछ इस टाइप के टेक्सचर्स बन जाएंगे। फिर आपको लेना है छोटा वाला रबर बैंड और छोटे छोटे से फ्लिक्स लेने हैं और बहुत ही ढीली ढीली चोटियों का एक लेयर बनाना है। लेयर बनाने के बाद ज़रा से बालों का पार्ट लेना है और ये वाला जो रबर बैंड लिया था आपने उसको वहाँ पर लगा देना है। अब ऐसे तो इसको छोड़ नहीं सकती क्योंकि करवा चौथ लुक क्रिएट करना है, तो इसके लिए हम लेंगे अपनी एक रिंग और रिंग को लेकर के उसकी चोटी में डाल देंगे और चोटी में डालने के बाद पूरे बालों को लेके रबर बैंड लगा देंगे। सो हैक नंबर 6 के लिए सबसे पहले तो आप नेकलेस पहन लो। नेकलेस हमारा हैक नहीं है, हैक है आगे। आपको लेनी है ऐसी इयररिंग में लगा देनी है ऐसी मोतियों की माला एंड चेन। आप चाहो तो मोतियों की ही दो लाइन लगा सकते हो। कोई भी ज्वेलरी आपकी टूटी हो आप उसको इस तरीके से रीयूज कर सकते हो। सेम यही चीज़ मैंने मांग टीके के साथ भी किया है। मांग टीके में भी मैंने मोतियों की माला एंड चेन दोनों को ज्वाइंट किया है और इस तरीके से हेयर बैंड है ही हमारे पास तो बहुत ही अच्छे से ये फिक्स हो जाएगा। और बिंदी लगा लो। अब भाई ब्राइडल लुक क्रिएट करना है तो दुपट्टा तो लेना ही पड़ेगा सर पे, तो उसके लिए मैंने यहाँ पे ऑरेंज कलर का कॉन्ट्रास्ट दुपट्टा लिया है और इस तरीके से सर पे हेयर बैंड की हेल्प से उसको फिक्स कर दिया है। ब्राइडल लुक है तो ऐसा ज़रूरी नहीं कि नथ पहने ना, नथ पहनने के बाद कितनी प्रॉब्लम होती है तो लड़कियाँ ही जानती हैं। तो यहाँ पर आपको लेना है बड़े साइज़ की लॉन्ग या फिर आप कोई बड़े साइज़ की छोटे साइज़ की इयर रिंग भी ले सकते हो और उसको पहन लो। पहन लो अपने कपड़े की तरह मल्टी कलर बैंगल एक हाथ में गोल्डन बैंगल। किस किताब में लिखा है कि दोनों हाथों में अलग अलग बैंगल नहीं पहन सकते। सो आई होप आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।